हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल अपनी रैंक के बेसिस पे, अपने स्कोर के बेसिस पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया या कॉलेज में जो है एडमिशन लिया, उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपने सभी को पता होगा कि आईसीआर के द्वारा आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है जिसे एनटीएस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एनटीएस का मतलब होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो आपको सभी स्टूडेंट्स को जो आउटर स्टेट में या जिस भी स्टेट्स में है, आप उस अनदर स्टेट्स में आप स्टडी करते हैं या उस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं जो अपने स्टेट से या आपके स्टेट से बाहर हो, तो आपको आईसीआर के थ्रू एनटीएस मिलता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका स्कॉलरशिप लेटर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किस किस स्टूडेंट्स को जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका कौन कौन से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और कितना स्कॉलरशिप है, कितना आपको पेमेंट है वो आपको पर मंथ मिलता है या पर ईयर कितना मिलता है, इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी इस साल आईसीआर 2022 में एडमिशन लिए हैं आईसीआर में, आईसीआर के कॉलेजेस में, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको आईसीआर की ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो आपकी आईसीआर की जो ऑफिशियल साइट है, जैसे आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको icerexam.net पे आपको सर्च करना होगा। जैसे आप इस पे सर्च करेंगे तो आपको पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यदि आप यूजी के हो तो स्कॉलरशिप, और उसके बाद में पीजी के हो तो फेलोशिप आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड को लॉगिन करके वो लेटर डाउनलोड कर सकते हो। अब वो लेटर जो है, स्कॉलरशिप लेटर जो है, वो किस किस स्टूडेंट्स के जो है प्रोफाइल पे मिलेगा, वो स्टूडेंट जो अनदर आउटर स्टेट में, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप बिहार के हैं और आप किसी अनदर स्टेट में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या आप राजस्थान के हैं या आप वेस्ट बंगाल के हैं, तो आप बिहार या अनदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रूल ये होता है कि आपका जो एडमिशन है वो आईसीआर के राउंड्स में होना चाहिए, चाहे आप आईसीआर के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में एडमिशन लिए हो, तो इन राउंड में आपका एडमिशन होना चाहिए। सेकंड रूल आपका ये होता है कि आप जो है आईसीआर की जिस भी कॉलेज में, मान लो जो भी कोर्सेस है, जैसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिला या हॉर्टिकल्चर मिला या अनदर कोर्सेस मिले, जो भी आपको कोर्सेस मिला है उसका आपका जो है एग्रीडेशन होना चाहिए। यदि आप आईसीआर के थ्रू एग्रीडेशन में नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, या आपको जो आप जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड लॉग इन करोगे तो वहां पे आपको वो स्कॉलरशिप का लेटर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम एक स्टूडेंट्स का लॉग इन करके आपको दिखाते हैं कि कैसा आपका स्कॉलरशिप लेटर होगा और कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर पे जाइए और उस पासवर्ड लगाइए, वहां से आप ये लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका जो भी आईसीआर का पासवर्ड था वो यहाँ पे आपको यहाँ फिलअप करना है, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी कोड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। यदि किसी को पासवर्ड याद नहीं है तो आप रिसेट भी कर सकते हो। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाते हैं और कैसा आपका वो लेटर होगा उसको भी हम यहाँ पे स्वैप करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिन स्टूडेंट्स आउट स्टेट में यदि स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप यूजी से हो चाहे आप पीजी से हो, तो आप अपना लेटर डाउनलोड कर लीजिए। आगे आपको कैसे एनटीएस मिलेगा वो आप अपने एकेडमिक्स जो इंचार्ज होते हैं उससे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां से आपको दे देंगे। ओके, तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एनटीएस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका कॉलेज एग्रीडेशन, सॉरी जिनका कोर्स है वो एग्रीडेशन में होना चाहिए। यदि आपका एग्रीडेशन में नहीं है तो आपको एनटीएस है वो नहीं मिलेगा, और यदि आप सेम स्टेट से हो तो आपको, जैसे बिहार का कोई स्टूडेंट्स है तो बिहार का जो गवर्नमेंट है उनको स्कॉलरशिप देता है, इसके बारे में आप अपने अकेडमिक इंचार्ज से डिस्कस कर सकते हैं, वो अच्छे से इसके बारे में आपको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हो, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। देखो किसी स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपका प्रिंट रैंक कार्ड के नीचे देखो यहाँ पे एक हो जाएगा स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेटर। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आईसीआर के थ्रू एक लेटर है वो दिया होगा। तो चलिए इस नोटिस को हम इस अपडेट्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इस लेटर को आप जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ इस स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज में हुआ है, जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे इनका रैंक है वो 842 था। ये झारखंड से है, आउट स्टेट में स्टडी कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे देख सकते हो ये लेटर इनका मिल चुका है। ठीक है, तो इसको आपको अपने एकेडमिक्स जो एकेडमिक होती है उससे वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो कि आगे क्या प्रोसेस है, वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा उनको यहाँ पे लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर आपको आपकी जो है आपकी जो भी प्रोफाइल है उस पर यहाँ पे मिल जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वैप नहीं हो रहा है तो आपका
या तो कोर्स जो है एग्रीडेशन नहीं है, यदि आपका कोर्स एग्रीडेशन में होगा, या आप आउटर स्टेट से नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज चेक कर लेना, यदि आपको एग्रीडेशन है तो ही आपको यहाँ पे लेटर मिलेगा, दूसरा आप आउटर स्टेट में स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा बात कर रहे थे, एग्रीडेशन का बात हम कर लिए हैं, और कितना आपको पेमेंट मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यूजी के स्टूडेंट्स को 3,000 पर मंथ मिलता है, जो कि आपका कॉलेज पे डिपेंड है, वो आपको अकाउंट में कब ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो वो आप ये सारी चीजें जो है केडमी चार्ज से डिस्कस कर सकते हैं। 3,000 रुपए पर मंथ आईसीआर के द्वारा दिए जाते हैं, यदि आप पीजी से हो तो आपको 5,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो ये चलिए, ये लेटर जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आगे की प्रोसेस के बारे में आप अपने अकेडमिक इंचार्ज से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, वो आपको इजिली इस टॉपिक पे अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, यदि किसी ने ये और डाउनलोड नहीं किया स्कॉलरशिप का लेटर तो वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, यदि आपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो फुल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।